ममता बनर्जी और सोशलिज्म ने आपस में शादी रचा ली। इस दौरान कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म भी मौजूद रहे। चौंकियो मत, ऐसा सच में हुआ है और यह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं है। सुनने में भले ही अटपटा या राजनीतिक मजाक जैसा लगे, लेकिन तमिलनाडु के सलेम जिले में ऐसी एक शादी हुई है जिसके निमंत्रण कार्ड ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सलेम जिले के कोंडलम पट्टी कत्तूर इलाके में ममता बनर्जी ने सोशलिज्म, जिसका हिंदी में मतलब समाजवाद होता है, के साथ साधारण तरीके से शादी की। दुल्हे का नाम एम सोशलिज्म है, जो ए मोहन के बेटे हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI की विचारधारा वाले परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वहीं दुल्हन ममता बनर्जी के माँ बाप के पलानीसामी और पी नीलांबल हैं। यह कांग्रेसी विचारधारा का परिवार है। शादी साधारण तरीके से संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ ही लोग शरीक हुए। इस दौरान दुल्हे सोशलिज्म के भाई कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और भतीजे मार्क्सिज्म भी मौजूद रहे। कम्युनिज्म का हिंदी तर्जुमा साम्यवाद की विचारधारा है। वहीं लेनिनिज्म यानी रूस में हुई क्रांति के नेता के नाम पर लेनिनवाद और दार्शनिक तथा विचारक मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद नाम रखा गया है। तमिलनाडु CPI के प्रदेश सचिव भी शादी में उपस्थित हुए। दूल्हे और दुल्हन ने बताया कि उन्हें जानने वाले और अज्ञात लोगों की तरफ से हजारों की संख्या में बधाई वाले संदेश मिल चुके हैं। दुल्हन बनी ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अपने नाम की असली ताकत तभी समझ आई जब दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। वही दूल्हे सोशलिज्म ने बताया, स्कूल के दिनों में मेरा और मेरे भाइयों का नाम की वजह से काफी मजाक उड़ाया जाता था। दुल्हे के भाई कम्युनिज्म वकील हैं, जबकि लेनिनिज्म चांदी की पायल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं। अपने बच्चों का ऐसा नाम रखने की वजह के पीछे दुल्हे के पिता और CPI के जिला सचिव मोहन ने बताया कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद कई लोगों को लगा कि कम्युनिज्म खत्म हो गया है। उस समय मैंने अपने बेटों का नाम कम्युनिज्म, लेनिनिज्म और सोशलिज्म रखा। सलेम और आसपास के क्षेत्र में इस अनोखी शादी की चर्चा है।